और सर क्या हाल है, बड़े दिनों मिला। वो कैसे हो हितेश जी? मैं ठीक हूँ, आप कैसे महेश जी? बढ़िया, आप बताइए। ये तो बड़ा प्यारा डॉग है। जो फीमेल थी ना अपनी, जो घुमाता था मैं डायना को, हाँ। जो पार्क में, अच्छा, तो मैंने एक इंपोर्ट बाहर से इंग्लैंड से डॉग हुआ था, ब्लैक जर्मन शेफर्ड बिल्कुल, तो उससे मैटिंग कराई थी मैंने, तो उसमें उसकी नानी पर गया ये। अच्छा, ये व्हाइट जर्मन शेफर्ड है, इसको स्विस शेफर्ड भी बोलते हैं। ऐसे डॉग्स कितने दिल्ली के अंदर? मेरी ख्याल से दिल्ली में तो दो ही हैं, एक ये है, एक इसका भाई है, लेकिन वो भाई की जो हाइट और मतलब उसका एक कान बैठा हुआ भी है, उसकी उतनी मतलब केयर नहीं हो पाई, तो इतना अच्छा नहीं निकल पाया, वो किसी और के पास है। बट मैं जो है इसकी पूरी केयर करता हूँ, क्योंकि मेरे को आई एम एनिमल लवर, डॉग लवर, तो मेरी बिटिया इसको देखती है, मैं देखता हूँ। हम जो है इसको जिस तरीके से बच्चे की तरह अपने घर में पालते हैं, इसे पाल रखा है। अब मैं जहाँ भी जाता हूँ, सीट बेटा, अब मैं जहाँ भी जाता हूँ ये जो है कमांड भी सुनता है, तो इसकी लोग वीडियो बनाते हैं, कोई यूट्यूब बनाता है, कोई फोटो खींचता है, कोई कुछ करता है, तो वो बोलते हैं बड़ा रेयर है, हमने कभी देखा नहीं, तो इसकी आप पर्सनैलिटी और लुक देख सकते हो। क्या है वैसे? ये टच करो, ये बहुत ही फ्रेंडली है, किसी को कुछ नहीं कहता। राइट राइट। क्या क्या? ये अभी एक साल दो तीन महीने का है, और आप देख सकते हो, और ये स्विस शेफर्ड है, इनकी ग्रोथ डेढ़ दो साल तक होती है। अभी इसकी हाइट और निकलेगी और इसकी पर्सनैलिटी और निकलेगी, आप देख सकते हैं इसकी प्योर पूरी लुक देख सकते हैं किस टाइप की लुक से। तो मुझे वो लग रहा है, वो नहीं होता लोमड़ी, लोमड़िया बोलेंगे नहीं, कोई इसको वुल्फ बोलता है, वुल्फ टाइप जो उसकी, कोई वुल्फ बोलता है, कोई इसको हस्की बोलता है, और ये मतलब देख सकते हो आप कितना प्यारा, कितना फ्रेंडली है। लेकिन ये रेयर है, अपने आप रेयर ऐसा बच्चा पैदा हो गया। अभी देख लीजिए इसकी केयर करते हैं पूरी। ये इसका कॉम लेके आता हूँ, मैं कॉम करता हूँ इसको। अच्छा। ये देख सकते हैं आप, इससे जैसे इसके जो हेयर्स जो फॉल हो रहा होता है वो सब हट जाता है, डेंड्रोफ वगैरह हट जाती है। तो क्या खर्चा आता है महीने का इसका, पूरा इसका मेंटेनेंस का डॉग का? देखो जी, ये तो अपने मेंटेन करने वाली बात है, इतना ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी ब्रीड है तो इस तरीके का होगा। जैसे अभी ये शुद्ध शाकाहारी बनाओगे तो शाकाहारी भी, आलू आपके ऊपर है, ऐसे नॉन वेज खिलाओ, हाँ वेज खिलाओ, नॉन वेज खिलाओ, दिस इज डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कैसा उसको करते हैं। मैं इसको सुबह जो है बॉयल एग और मिल्क दे देता हूँ, और दो टाइम इसको खाने देता हूँ। मैं डॉग फूड स्टार्टिंग में दिया था, अब मैं डॉग फूड नहीं देता इसको, क्योंकि वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। ठीक है, जैसे आपका बजट हो आप सिट बेटा, आराम से सेट हो जाएगा इसका। सिट रेपो सिट। देखो आप समझ सकते हैं कि कमांड सुनता है। तो आपने इसकी ट्रेनिंग करवाई है या अपने घर में खुद ही ट्रेन कराया इसको? नहीं, मेरी बिटिया ने इसको ट्रेन करा है हल्का फुल्का, जैसे सिट। ठीक है, शेक हैंड। वेरी गुड, वेरी शेक हैंड। ये शेक हैंड करेगा, आपको भी करेगा, दिस वन शेक हैंड करता बेटा, शेक हैंड। सो स्वीट, सो नहीं नहीं काटना नहीं भाई, मुझे नहीं काटता, नहीं ये बिल्कुल नहीं काटता, आप उसके मुंह में भी हाथ लगा सकते हैं। नहीं, मैं लगाओ, लगाओ, मैं नहीं लगाऊंगा, आप लगाओ तो सही। अरे सर मेरी बात तो मानो, ठीक है, मैं इतना अच्छा लग रहा है। शेक हैंड दिस वन, देखिए, वेरी गुड वेरी गुड। ये तो बहुत ही फ्रेंडली है, तो बच्चे आपको देखते हैं इसको तो बिल्कुल पागल हो जाते होंगे इसको देखकर। बच्चे इसके खेलते हैं, इसके बिल्कुल आसपास इर्द गिर्द घूमने लगते हैं, और बच्चे आके इसको प्यार करते हैं, कोई इसके यूं करता है, कोई घुमाने ले जाता है, ये उनके साथ बिल्कुल खेलता है, भागता है, दौड़ता है, बिल्कुल फ्रेंडली है। बड़ी ब्रीड है, दिखने में डेंजर लगता है, लेकिन ये है बहुत पोलाइट है और बहुत फ्रेंडली इजी डॉग है। मगर ये है चोर भी डर जाते हैं इसको देख के, प्यारा भी है आपको और डर भी जाते हैं इससे, कोई घर में नहीं घुसता। फिजिकली काफी बिल्ट, फिजिकली ऐसा है कि इसकी लुक में ही मतलब बंदे डर जाते हैं, आप समझ सकते हैं। ये अपनी ब्रीड का सलमान खान है, तो मतलब है ना, इससे डर भी जाते हैं और बॉडी भी है, और इसको लाइक भी करते हैं, लव भी करते हैं। जी जी, टोटल एस्टिमेट खर्चा कितना आया था इसका, अगर आप नॉर्मल इसको वेज खिलाएं? देखो ऐसा है, इसकी मैंने वैक्सीनेशन करा रखा है, जो इजीली हर डॉग का कराना पड़ता है, कोई अलग सा नहीं है, चाहे आप स्ट्रीट डॉग होगा उसका भी जो वैक्सीनेशन होता है, इसका भी होता है, सिंपल वैसे वैक्सीनेशन है इसका, वो बड़ी इजीली हो जाता है। एनडीएमसी का जो है ना, मोतीबाग के अंदर एक हॉस्पिटल है, मोतीबाग में एनडीएमसी का है, वो आप अपना लेके जाइए इंजेक्शंस, वो फ्री ऑफ कॉस्ट लगा देते हैं, और अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, काफी ज्यादा इंटेलिजेंट डॉक्टर्स हैं। ये छोटी ब्रीड अगर आप पालते हो उससे कोई डरता भी नहीं है, चोर वोर को भी कुछ ऐसा नहीं होगा, और फिर बड़ी ब्रीड आप पालते हो तो कुछ लुक इस तरीके की होती है कि उसको प्यार करने का, ये इसमें आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी, इसमें आपको प्यार करने के लिए एक फैंसी भी
फैंसी बना है इसके अंदर, देखिए आप इसकी लुक देखिए। और उसके बाद जो है इसको देख के चोर वोर सबकी हमारी मतलब समझ लो घर के चार चार घर के आगे पीछे भी कोई नहीं आता। इसकी बिल्ट इतनी स्ट्रांग है, चोर बिल्ट इसकी स्ट्रांग है दिखने में, ये जरूरी नहीं है कि एग्रेसिव होना जरूरी है, आदमी की फिजिक से ये बॉडी बिल्डर टाइप इस तरीके से लगता भी है और दिखने में भी सुंदर है। और सबसे बड़ी बात है बड़ा फ्रेंडली है और आप इसको फैमिली के अंदर पाल सकते हैं, क्योंकि जर्मन शेफर्ड के बारे में बताते हैं ही इज वेरी लॉयल, जर्मन शेफर्ड सबसे लॉयल है फैमिली के प्रति, बच्चों के प्रति। एज ए मैं इसको स्टड अगर किसी ने फीमेल मैट करानी हो अपनी जर्मन शेफर्ड, बाकी ये है कि हाँ बंदा मीटिंग कराएगा तो बोलेगा कि हाँ भाई मजा आया। और अगर मेरे से कोई मीटिंग के लिए इसके लिए मीटिंग के मिलना चाहे एज ए स्टड तो मुझसे मिल सकता है। मेरा नाम महेश कुमार है, मेरा नंबर 9711218800। महेश कुमार के नाम से मुझसे बात कर सकता है, जैसी भी होगी हम उनसे बात कर लेंगे। मैं चाहता हूँ इसकी जो है आगे तक इसकी जेनेटिक जीन्स जो है जाए, आप चाहते हो दिल्ली में सारे काफी सारे ऐसे डॉग्स हों। हाँ, क्योंकि लोगों का मन भर गया है जो डबल कोटेड जो डॉग है उनसे मन भर गया है और वो बड़े एग्रेसिव होते हैं, ये थोड़ा उससे ज्यादा पोलाइट है। One, two, three.